भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणामिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवान् त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज पदवी मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुट मुकुट नीराजित पदा हे भवान तुम मुझ सेवक पर कीजे करुणा दृष्टि निपात ऐसा कहकर जो स्तुति करने की इच्छा करता मनुजात ब्रह्मा विष्णु महेंद्र मुकुट जय निराजित पद पद्म महान निज सायुज सुपदवी उसको करती हो तुम शीघ्र प्रदान हे भवानी मुझ दास पर भी अपनी करुणामयी दृष्टि डाले यदि कोई मुमुक्षु स्तुति करते समय भवानी त्वम अर्थात मैं तू हो जाऊं इस पद का ही उच्चारण कर तेरा ध्यान करता है तो तू उसे तत्काल निज सायुज पद प्रदान कर देती है जिस पद का ब्रह्मा विष्णु और इंद्र भी शीश नवाकर सम्मान करते हैं अपने मुकुटों के प्रकाश से आरती उतारा करते हैं हे माँ इस सेवक की प्रार्थना सुन लीजिए नतमस्तक हूँ मैं भी आपके चरणों में मुझे भी निज सायुज प्रदान कर कृतार्थ कर दीजिए सौंदर्य लहरी के इस 22वें श्लोक में शंकर भगवत पाद ज्ञान की भूमिका के साथ साथ प्रेम रूपा भक्ति की उत्कृष्टता दिखाते हैं जिससे सायुज मोक्ष की प्राप्ति अविलंब भगवती के अनुग्रह मात्र से हो जाती है सायुज मोक्ष अन्य सालोक सामीप्य और सारूप्य मोक्षों से ऊंचा है अर्थात सगुण ब्रह्म के लोकों से ब्रह्म भाव ऊंचा है और इंद्रलोक ब्रह्मलोक एवं विष्णुलोक उस पद के नीचे ही रह जाते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म अहम् ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि और अयम् आत्मा ब्रह्म ऋग यजुर् साम और अथर्व वेदों के क्रमशः चार महावाक्य हैं जो जीव ब्रह्मैक्य का लक्ष्य कराते हैं जो जीव और ब्रह्मा के एकात्म होने का लक्ष्य कराते हैं गुरु शिष्य को पहले प्रज्ञान आत्मा का स्वरूप दिखाता है और फिर उपदेश करता है कि यह आत्मा ब्रह्म है और वह तू है फिर शिष्य मैं ब्रह्म हूँ का परोक्ष अनुभव करके उस पद में अपनी स्थिति रखता है जिसको निधिध्यासन कहा जाता है उपदेश के श्रवण के पश्चात युक्तियों द्वारा समझने को मनन कहते हैं और तत्पश्चात नित्य आत्मस्थिति में रहने को निधिध्यासन कहा जाता है समाधि में समनी स्तर पर पहुंचकर योगी जो इच्छा करता है उसकी वह कामना पूर्ण हो जाती है कोई आश्चर्य नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करने वाला ज्ञानी भी उस स्तर पर ब्रह्मात्मैक्य की अपरोक्षानुभूति प्राप्त कर सकता है ओ भवानी द वन हु एड्रेसेस यू एज भवानी सीकिंग योर कंपैशन टू बिस्टो योर ग्लैंस ऑन हिम कंसिडरिंग हिम एज योर सर्वेंट इज ऑफर्ड लिबरेशन बाय यू इंस्टेंटेनियसली इवन बिफोर ही कुड कंप्लीट द वर्ड भवानी द क्राउन्स ऑफ विष्णु ब्रह्मा इंद्र एंड अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस get the reflection of your lotus feet and appear as if they perform aarti for you. This is one of the most important verses in Saundarya Lehri. The emphasis of this verse is on her name, Bhavani. Bhava means one who exists all the time and the one who causes creation. And Bhavani refers to the consort of Shiva. Who infuses life into all the beings. Since she is so fond of Bhava, she becomes immediately immensely pleased when she is addressed as Bhavani.
and she showers her compassion on those devotees who address her as Bhavani and offers them instantaneous liberation. Even before he could complete the word Bhavani, she appears in person before him and absorbs him into her. There exists only Bhavani, and the devotee is no more there, and he has become one with her. This state of liberation is known as Sayujya, which means total absorption into the divine essence. And he is an ordinary devotee who doesn't know the intricacies of her various kinds of worship. He does not know mantras and never recites them, but he has established a very strong connection with her through his mind. Whatever he does, he never thinks that he is the doer. His ego has been completely dissolved unto her, which is also known as Sharanagati. This way of contemplating her is much more efficacious than japa and home. आइए अब 9 बार इस श्लोक की आवृत्ति करते हैं और आज के पाठ को संपन्न करते हैं। भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणामिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवान् त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज पदवी मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुटं कुटनीराजित पदा भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणामिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवान् त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज पदवी मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुटं कुटनीराजित पदा भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणामिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवान् त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज पदवी मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुट मुकुट नीराजित पदा भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणामिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवान् त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज पदवी मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुटं कुटनीराजित पदा भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणामिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवान् त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज पदवी मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुट मुकुट नीराजित पदा भवान् त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणामिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवान् त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज पदवीं मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुट मुकुट नीराजित पदा भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणामिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्व
त्वमितेयः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज पदवी मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुट मुकुट नीराजित पदा भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणामिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुट मुकुट नीराजित पदा भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणामिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुट मुकुट नीराजित पदा